नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। हिमांशु राज ने बिहार टॉप किया है, लेकिन हमने बिहार की उस बेटी से बातचीत की है जिन्होंने मैट्रिक के एग्जाम में लड़कियों में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि वो लड़कियों की टॉपर रही है। जूली कुमारी अरवल की रहने वाली है, बालिका हाई स्कूल अरवल में पढ़ी है। उनसे लाइव सिटीज ने बातचीत की है कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, कैसा माहौल रहा और क्या उनका लक्ष्य है, सब कुछ बता रही है जूली कुमारी, आप सुनिए। हेलो जूली, मैं लाइव सिटीज से गरिमा बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको टॉप 10 में आने की बहुत बहुत बधाई और आप लड़कियों में टॉप 10 में पहली है 478 मार्क्स के साथ। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं लड़की में सबसे टॉपर आई हूँ। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन सिंह जी। आपके पिता का नाम मनोज कुमार सिन्हा है। आपके पापा क्या करते हैं जूली? मेरे पापा एक नियोजित शिक्षक हैं। अच्छा, नियोजित शिक्षक है। और मतलब कैसे तैयारी की? आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, किस तरह से आपने खुद को तैयार किया? कभी सोचा था कि टॉप में आएंगे? हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं टॉप में जरूर आऊंगी। चलिए, मैं हमेशा 15-16 घंटे पढ़ा करती थी। अच्छा, तो आपने जितनी भी मतलब तैयारी की वो ट्यूशंस वगैरह आप जाती थी या फिर घर पर खुद से सेल्फ स्टडी से? ट्यूशन भी जाती थी और घर पर भी सेल्फ स्टडी करती थी। चलिए, आपकी रुचि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में है जूली? मैथ। मैथ्स में आगे चलकर आप PCM लेंगी इंटर में? हाँ। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही लेंगी ना, आपकी रुचि मैथ्स में है। और क्या एम रखती है, क्या गोल रखती है, आगे चलकर क्या बनने का सोचा है? इंजीनियर बनने का सोचा है मैंने। इंजीनियर बनने का सोचा है। चलिए, और अभी आपके घर का माहौल कैसा है? मिठाई वगैरह खाई या नहीं? हाँ, खा ली है। मिठाई खा ली है। चलिए, और स्कूल का क्या हाल है? स्कूल से फोन वगैरह आए? हाँ, सर का फोन आया। चलिए, और सारे रिश्तेदार भी आपको बधाई दे रहे होंगे, पूरा बिहार आपको बधाई दे रहा है। थैंक यू। क्या क्या टिप्स देना चाहेंगी आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे और बच्चों को जो अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं? मन लगा के पढ़े, हमेशा अपनी किताब पर ध्यान दें। चलिए, आपका अगर पूछे मेन मंत्र क्या था, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी जूली? क्या मैम? कितने घंटे पढ़ाई करती थी परीक्षा से पहले? मतलब शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था या बहुत बच्चे होते हैं जो अंत में आकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं? आपने क्या किया? मैं पहले भी पढ़ा करती थी, पहले मैं पढ़ती थी 12-13 घंटे और जब 2-3 महीने नजदीक आए तो मैं 16 या 15 घंटे पढ़ती थी। जी ठीक है जूली, आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और अच्छा करें, आप जो भी चाहती हैं लाइफ में बनना, आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, आप उसमें ही बहुत अच्छा करें। ऑल द बेस्ट। तो 478 नंबरों के साथ जूली कुमारी ने टॉप किया है। लड़कियों में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली जूली कुमारी अरवल की रहने वाली है। अरवल बालिका हाई स्कूल से पढ़ी है और इन्होंने टॉप किया है। जूली कुमारी की खुशी आप उनकी आवाज में महसूस कर रहे होंगे। पिता नियोजित शिक्षक हैं और खुद से जूली कुमारी ने तैयारी की है। ट्यूशंस पढ़ती थी लेकिन उन्हें पहले से पता था कि वो अच्छे अंक लाएंगी क्योंकि वो एक टॉपर की तरह ही तैयारी कर रही थी। और साथ ही साथ उन्होंने जो बच्चे आगे जाकर मैट्रिक में एग्ज़ाम देंगे उन्हें भी कुछ टिप्स दिए हैं, बताए हैं कि किस तरह से वो तैयारी करें ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। लाइव सिटीज़ की पूरी टीम जूली कुमारी को बहुत सारी बधाइयां देता है, शुभकामनाएं देता है कि वो आने वाले समय में और अच्छा करें और बेहतर करें, बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करें। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।